नमस्ते नमस्कार, माय नेम इज संजू खारखल। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो फिर आप प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए। इससे आपको आसानी होगी, मेरे नए जब वीडियो आएंगे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आई बिलीव नोटिफिकेशन बोलते हैं उसे, तो फिर नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी। वेल, मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था, उस वीडियो पे एक कॉमेंट आया था कि वाई शुड आई हायर यू। एक्चुअली दिस क्वेश्चन अगर मैं आपको बोलूँगा, अगर मेरे ही आंसर आप रिपीट करने वाले हो तो फिर इट माइट हार्म यू रेदर देन गेटिंग अ चांस। बिकॉज जनरली ये क्वेश्चन तब आता है जब आप पहला राउंड आपने पार कर लिया हो, जो कि आपकी जी डी राउंड होता है, या बेसिक जो राउंड होता है आपने ऑलरेडी पार कर लिया हो, आप एचआर के आमने सामने हो, या पर्सनल इंटरव्यू में ही ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए, एक बात आपको गार्ड बन के रखनी है, दैट यू आर सिलेक्टेड 90%। अब 10% जो है आप ना आपको सच्चाई बता के करिएगा, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सच्चाई नहीं बताते ना लोगों को, तो फिर वो जो स्टोरी, वी ऑल आर ड्रिवन बाई स्टोरी, ट्रस्ट मी, वी ऑल आर ह्यूमन बींग, वी ऑल आर ड्रिवन बाई स्टोरीज। स्टोरीज जितनी पर्सनल होगी उतनी ही आपके चांसेस होगा हायर होने में। शायद मैंने किसी यूट्यूबर जब मैं बहुत ही नया था एविएशन इंडस्ट्री, मैंने भी बहुत सारे यूट्यूब सर्च किया है, तो फिर एक शायद कोई था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है कौन थी, एक्चुअली सी इज अ गर्ल, उन्होंने बताया था कि स्पाइसेट के इंटरव्यू में कि मैंने बहुत लोगों के घर, मैं जिस कंपनी में काम करती थी, उस लड़की ने बताया था, जिस कंपनी में काम करती थी वहाँ पे एक्चुअली घर को तोड़ते हैं, उसके बाद उसको सेल करते हैं। तो फिर अभी मुझे इस कंपनी में इसलिए आना है बिकॉज नाउ आई एम कनेक्टिंग वन पैसेंजर टू द अदर पैसेंजर, वी आर बिल्डिंग ए होम फॉर देम, तो वी आर कनेक्टिंग नाउ। तो फिर मुझे ये काम करके बहुत अच्छा लगेगा, उसने ये बताया था अपने चैनल पे। तो देखिए, ये ना बहुत ही पर्सनल आंसर था, और इस पर्सनल आंसर में ना शायद ही एचआर, ये यू नो व्हेन यू आर एचआर, आप हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट्स को आप इंटरव्यू ले चुके हैं, बहुत लोग आपको बहुत कुछ बता चुके हैं, तो फिर दिस वॉज अ वेरी यूनिक आंसर। तो फिर आंसर ने यूनिक होना चाहिए, आई ऑलवेज बिलीव दैट। आप ये बताएं, आपको मैं एक बात बताता हूँ, आप कैबिन क्रू किस लिए बनना चाहते हैं, अगर आपको पता है ना, ये आंसर आपको आना चाहिए। कैबिन क्रू, यू नो यू आर नॉट बिकमिंग कैबिन क्रू फॉर योर मॉम, योर डैड, योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, यू आर बिकमिंग कैबिन क्रू फॉर योर सेल्फ, बिकॉज दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग। मैंने शायद इस ये बताया होगा कभी, वाई यू शुड हायर मी पे, मुझे मैंने निर्जा मूवी देखा था, निर्जा मूवी इज द वन मूवी दैट मूव मी कि मैं कैबिन क्रू बनूँ। उस मूवी पे मुझे ये जो रेजिलियंस सपोर्ट, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लगा वो कैरेक्टर, और मुझे लगा कि येस आई कैन बी ऑल्सो वन ऑफ देम। मुझे अपने कंट्री का ही नहीं, एक ह्यूमैनिटी का मतलब बचाने का, ह्यूमैनिटी को सर्व करने का तो मौका मिल रहा है, तो फिर वाई नॉट, दैट्स अ कैबिन क्रू जॉब फॉर मी। तो फिर मेरा आंसर जनरली इसी बेसिस पे ही मैं देता हूँ। तो फिर आप भी ऐसा कुछ ढूंढिए जो आपको लगता है कि आप दे सकेंगे। दिस इज द बेसिक लाइन, अपना स्टोरी बनाइए, अपना स्टोरी बताइए, एचआर विल लव यू एंड यू विल गेट योर जॉब। मैं इसलिए बता सकता हूँ बिकॉज मैंने 4 या 5 इंटरव्यू तो अब तक दे दिया होगा, जिस इंटरव्यू में मैं सिलेक्ट नहीं हुआ हूँ, उस इंटरव्यू में मैंने ये जरूर किया है कि किसी से बहुत लिख के बाय हार्ट करके जाके ना वही बोलता था, तो फिर मुझे कभी उस पर सिलेक्ट किया ही नहीं। इवेंचुअली मैं बोलूँगा मुझे फर्स्ट राउंड से ही निकाल लिया था एक दो इंटरव्यू पे। तो फिर मैं ये समझ गया कि मुझे क्या फील होता है वो मुझे बताना है। बहुत लोगों के क्वेश्चंस, एक और क्वेश्चन है जो कि कमेंट सेक्शन में आता है, हाउ मच डू यू अर्न। एक्चुअली कैबिन क्रू कैसे अर्न करते हैं मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ। एक बेसिक सैलरी होता है और एक अलाउंसेस होता है, जैसे कि अलाउंसेस आपका फ्लाइंग आवर्स, एक घंटे में आप जब फ्लाई करते हो किसी कंपनी का 400 होता है, 315 होता है, 300 होता है, और इतने इतने आज तक इतने इतने मिलते हैं, तो फिर वो सब बढ़ बढ़ के भी जाता है। तो फिर राइट नाउ आई गेस दिस इज़ द थिंग दैट वी गेट, एंड आफ्टर दैट आपका अगर आपने ओवरनाइट स्टे किया होगा, जो आपको ले ओवर है,
तो इंटरनेशनल सेक्टर्स अगर आप कर रहे हैं उसका भी एक अलग अलाउंस मिलता है, ली ओवर अगर कर रहे हैं उसका भी अलग अलाउंस, ये सब जो अलाउंस जोड़ जोड़ के हम लोगों को सैलरी मिलती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन इस तरह से तो नहीं पूछना चाहिए कि पर्सनल हो जाता है। हाउ मच डू यू अर्न, आई एम सो सॉरी, हाउ मच डू यू अर्न, ये क्वेश्चन थोड़ा सा पर्सनल होता है, प्लीज़ डोंट आस्क दिस क्वेश्चन, बिकॉज आप क्लास 12 पास कर चुके हो, तो फिर आई बिलीव नाउ यू हैव इनफ इनफ इंटेलिजेंस दैट नॉट टू आस्क दिस क्वेश्चन एट ऑल, बिकॉज आप मेरे पापा और मम्मी नहीं लगते हो जिसको मैं ये आंसर देना पसंद करूँगा, राइट? तो फिर प्लीज़ डोंट आस्क दिस क्वेश्चन इन द कॉमेंट सेक्शन ऑल्सो, एंड इवेंचुअली बहुत लोगों ने ये बताया भी है कि ये क्वेश्चन नहीं बताना चाहिए, ये बेसिक एटिकेट होता है, दिस इज ह्यूमन एटिकेट। सो आपको ये बात पता चल गया कैसे अर्न करते हैं, और ग्राउंड स्टाफ के बाद वीडियोज पे जो था उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन थे CSE एंड CSU, बट आई हैव नो आइडिया वट इज CSE एंड CSU मीन्स। आई बिलीव ये कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव होगा और कस्टमर सर्विस ऑफिसर, अगर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव हो तो फिर वो ऑफिसर से एक रैंक आगे होता है, तो फिर वो लोग जनरली हेड करते हैं कस्टमर सर्विस ऑफिसर्स को, कस्टमर सर्विस ऑफिसर्स जो कि मैक्सिमम द काम सीखेंगे और करेंगे अंडर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। अगर आपको मिल रहा है तो प्लीज टेक दैट अपॉर्चुनिटी एंड लर्न। आई ऑलवेज बिलीव दैट यू शुड ऑलवेज लर्न, लर्निंग इज अ वेरी गुड थिंग, एंड दिस इज द वीडियो बाय द वे। वेल, मैं एक चीज़ तो मानता हूँ कि लाइफ में अगर आपको कोई आगे बढ़ना हो ना, आपको सीखना तो जरूर पड़ेगा, लेकिन गलत गलत चीज़ें सीखने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो फिर ना वो जो लॉन्ग लॉन्ग लेंचर्स ना प्लीज़ मत सीखिएगा। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, या आई थिंक दिस विल हेल्प यू, अगर आपको वाई शुड आई हायर यू, अगर आप किसी ने आपको पूछा है, शायद आपको ऑलरेडी 90% ऑफ चीज़ आपने सही कर लिया होगा, ये जो 10% जो है ना ये आपको सच्चाई पे होती है, और अगर आपको ये नहीं आ रहा है क्या बताए, तो फिर मैं ये बताता हूँ जॉब डिस्क्रिप्शन में देखिए क्या क्या है उसमें। अगर ये बोल रहे हैं कि वी नीड अ कॉम्पिटिटिव यंग एनर्जेटिक पर्सन, बी दैट, बी कम्पिटिटिव, बी एनर्जेटिक। आप बताइए आपके कॉलेज में क्या क्या है, आपने कॉलेज में अगर रन किया है तो फिर यू आर वेरी कॉम्पिटिटिव, आपने हर किसी स्टेज शो पर पार्टिसिपेट किया है, यू आर वेरी कॉम्पिटिटिव। तो एनर्जेटिक अगर बोल रहे हैं तो फिर इसी को ही आप बोल सकते हैं कि आई ऑलवेज डू वो। मैं अगर कोई बोलेगा कि रात के 4 बजे अगर उठना है, तो फिर आपको पता ही है कैबिन की जॉब कैसी होती है, रात के 2-3 बजे लोग उठते हैं, उसको कभी कभी रेड आई फ्लाई होता है हम लोगों का, रात के 1-2 बजे अगर आप फ्लाई कर रहे हैं तो फिर उसको बोलते हैं रेड आई फ्लाई, तो फिर आपको वो उसको भी करना पड़ सकता है, तो फिर इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद दैट तो व्हाई डोंट यू से दैट, डू से दैट, इट इज़ बेटर। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, नमस्कार एंड बाय बाय।